जाएंगे उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर से। देश की सत्ता का रास्ता तलाश रही कांग्रेस का बेहद अहम मेगा चिंतन शिविर लेक सिटी उदयपुर में शुरू हो चुका है। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सुबह उदयपुर पहुंची। सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी की अगवानी की, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अल सुबह ही उदयपुर पहुंचे, जिनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। 3 दिन के इस शिविर में सोनिया सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं और इस शिविर में देश की सबसे पुरानी पार्टी का भविष्य तय होगा। कांग्रेस से जुड़े विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि ये शिविर अब तक हुए तमाम शिविरों की तरह नहीं है। कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रदर्शन को देखते हुए ये तय किया है कि अगर अब भी पार्टी को मजबूत नहीं किया गया तो कहीं देर ना हो जाए। ऐसे में शिविर में कई बड़े अहम, कड़े और चौंकाने वाले निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें संगठन से लेकर नेतृत्व और नीति तक सब कुछ शामिल है। उदयपुर में शुक्रवार से कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प और चिंतन शिविर का आगाज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबोधन से शुरू हुआ। शिविर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शिरकत कर रहे हैं, तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत भी देश की अपेक्षाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी के आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्मवलोक भागीदार बने हैं। नव संकल्प शिविर का आगाज सोनिया गांधी के उद्बोधन से हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नव संकल्प शिविर में कहा है कि अब समय आ गया है कि निजी आकांक्षाओं को संगठन के हित के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब कर्ज उतारने का समय है। सोनिया ने मौजूदा पार्टी नेताओं से आग्रह किया कि वे अपने विचार खुलकर रखें, मगर बाहर सिर्फ संगठन की मजबूती और एकता का संदेश ही जाना चाहिए। इस दौरान सोनिया ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही गांधी जी के हत्यारे का महिमामंडन किया जा रहा है। ऐसा करके बीजेपी देश में लोगों के बीच आग लगाने का काम कर रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि 3 दिन के शिविर में कई फैसले लिए जाएंगे और इन फैसलों से कांग्रेस में एक नई शक्ति का संचार होगा, साथ ही हम सभी को कांग्रेस को विजय पथ पर लाने का संकल्प भी लेना होगा। यहां जुटे दिग्गज जो चिंतन करेंगे उससे पार्टी के लिए अमृत निकलेगा। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उनका काम दंगे करना ही रह गया है। महाचिंतन शिविर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया और कहा कि मेवाड़ की धरा पर सभी नव संकल्प लेने में जुटे हैं। साथियों, हमारे इस महान और सशक्त संगठन से समय समय पर अपने लचीलेपन को दर्शाने की उम्मीद की जाती रही है और हर बार हमारे संगठन ने असरदार तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई है। एक बार फिर हमसे यह उम्मीद की जा रही है कि हम अपना साहस, हौसला और समर्पण की भावना का परिचय दें। लेकिन आज जो हमारे संगठन के सामने परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वे अभूतपूर्व है। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है, इस बात के प्रति मैं पूरी सचेत हूँ। हर संगठन को न केवल
जीवित रहने के लिए बल्कि बढ़ने के लिए भी समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन लाने होते हैं। हमें सुधारों की सख्त जरूरत है। रणनीति में बदलाव, दक्षगत सुधार और रोजाना काम करने के तरीके में परिवर्तन, एक तरह से यह सबसे बुनियादी मुद्दा है। लेकिन मैं ये भी जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हमारा पूर्ण उत्थान सिर्फ विशाल सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा, और वो विशाल सामूहिक प्रयास ना टाले जा सकते हैं न ही टाले जाएंगे। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं। तो साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने विचार खोल कर रखें, मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। यह निश्चय बरकरार रखना होगा। हाल में मिली नाकामयाबियों से हम बेखबर नहीं है, ना ही हम बेखबर है उस संघर्ष से या उस संघर्ष की कठिनाइयों से जिसे हमें करना है और जीतना है। लोगों की हमसे जो उम्मीदें हैं उनसे हम अनजान नहीं है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह प्रण लेने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका मिलाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव निभाई है और जिस भूमिका की उम्मीद इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। हम यहाँ पूरी विनम्रता के साथ आत्मा निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर निकलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सोनिया गांधी जी ने और राहुल जी ने इस शिविर का स्थान चुना, राजस्थान उदयपुर। मैं समझ सकता हूँ कि आप सबका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो चेहरे नज़र आ रहे हैं, नए पुराने हैं, उससे हम सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं। एक नई शुरुआत देश की राजनीति में होने जा रही है। ऐसे वक्त में जब कोई नहीं जानता कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा, क्या संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हो, लोकतंत्र खतरे में हो,
जुडिशियल दबाव में हो, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी का दुरुपयोग हो रहा हो, क्या नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, किसी को आवाम से भय भी नहीं है। हमारे वक्त में हर वक्त कांग्रेस के नेतृत्व लोग क्या कहेंगे उसके आधार पर लोकतंत्र की भावनाओं की कदर करते फैसले करते थे। कई मुख्यमंत्री होंगे, कई केंद्रीय मंत्री इस्तीफे हो गए, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है लोकतंत्र। कुछ भी आरोप लगा दीजिए, कितने संघर्ष कर रही जनता, इनको परवाही नहीं है। ऐसे फासिस्टी लोग धर्म के नाम पे काबिल हो गए देश के अंदर, जो आसान काम है। विचारधारा की लड़ाई अलग है, पर धर्म जाति ऐसी चीज है कि आप भड़का सकते हो, दंगे भी, हिंसा कर सकते हो, हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान तो टारगेट नंबर वन, अब जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ वहाँ ये टारगेट बना लेते हैं, दंगों का, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी के छापों का आप देख रहे हो। इनके लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं छापा नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का। कितने लोग जेलों में बंद है कोई सोच नहीं सकता, हमें मालूम ही नहीं है। जिग्नेश मेवानी एक एमएलए 2,500 किलोमीटर ले जा करके उनको आप कैद कर दो, बेलो तो वापस उसके ऊपर आरोप लगा के वापस जेल भेज दो। ये अपना में उदाहरण है एक, बाकी ऐसी घटना कितनी हो रही है साहित्यकारों के ऊपर, पत्रकारों पर, लेखकों पर, कोई सोच नहीं सकता है। आर्टिकल लिखते लिखते थक गए हैं कई साहित्यकार लेखक, तो ये हालात बन गए। तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है देश के अंदर। सोनिया गांधी जी सहित 13 विपक्षी पार्टियों ने अपील करी प्रधानमंत्री से, आप प्रधानमंत्री हो, देश में तनाव है, शांति का माहौल है, आप अपील कीजिए शांति की। वो नैतिक साथ नहीं जुटा पा रहे, नैतिक साथ है ही नहीं तो क्या जुटाएंगे। पर आमंत्रित करूं गया है 3 बजे, यहां से हम लोगों के सब्जेक्ट स्पेसिफिक मीटिंग शुरू हो जाएंगी और आप सब युवाएं हमें संबोधित करें और इस ऐतिहासिक नव संकल्प शिविर में हम लोग मेंबर्स ऑफ दिस। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस गंगे न कभी डरेंगे। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई है लड़ी है। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने इंदिरा गांधी मिस मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करके रहेंगे और यूपीए सरकार का कब्जा करेंगे। अनुरोध करूंगा श्री अशोक गहलोत जी को कि आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। अर्जुन खड़गे साहब एमएलए 2,500 किलोमीटर ले जा करके उनको आप कैद कर दो। साथियों, इससे पहले कि मैं कांग्रेस अध्यक्षा को यहां पर आमंत्रित करूं, गया है 3 बजे, यहां से हम लोगों के सब्जेक्ट स्पेसिफिक मीटिंग शुरू हो जाएंगी और आप सब युवाएं हमें संबोधित करें और इस ऐतिहासिक नव संकल्प शिविर में हम लोग मेंबर्स ऑफ दिस। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस गंगे न कभी डरेंगे। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई है लड़ी है। हम उस कांग्रेस तो आपको बता दें कि स्वागत सत्र में अपना संबोधन देने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हूं या फिर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो, सभी ने स्वागत करते हुए
केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं और उसके बाद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में ये साफ कर दिया है कि पार्टी में कहीं ना कहीं अब बड़े बदलावों की जरूरत है और ये बात वो बखूबी जानती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी अपने विचार खुलकर रखें लेकिन सभी के सामने मजबूती से यही मैसेज जाना चाहिए कि पूरा संगठन एक साथ है, पूरी पार्टी एक साथ है और मजबूती के साथ केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज कांग्रेस पार्टी बुलंद करके रखेगी और उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा जिनका सीधा सीधा जुड़ाव जनता के साथ है। और उन्होंने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि मुद्दों से भटकाकर धर्म के नाम पर राजनीति करती आ रही है।